International Television and Film Club presents 16th Global Film Festival Noida 2023. And right now I have Mr. Sunil Paras sir, who is a film director, if I'm not wrong. So sir, filmo ka festival hai. Aapka kya kehna hai aur kya experience raha aapka is fest pe? इस वक्त अगर देखा जाए तो देश का नहीं पूरे वर्ल्ड का होने वाला सबसे बड़ा अगर कोई फिल्म फेस्टिवल है तो देखा जाए प्राइवेट चैनल में तो यही है इस वक्त। और ये बहुत बड़ी चैलेंज की बात है कि ये फेस्टिवल दिन प्रतिदिन कामयाब होता जा रहा है। क्योंकि मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, फिल्मों से जुड़ा हूँ, फिल्म क्रिटिक हूँ, तो और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं पहले शुरू होने से लेकर और आज 16वां इंटरनेशनल हो गया, मैं सभी के साथ जुड़ा रहा हूँ और एक से एक यहाँ पे स्टार आते हैं। और ये स्टूडेंट के लिए भी बहुत बड़ा भाग्य की बात है उनको कि जिन लोगों को कभी मिलने के लिए भी उनको लाइन लगानी पड़ेगी किसी स्टार को मिलने के लिए मिलके, और ये सब काबिलियत है संदीप मारवा की, मिस्टर संदीप मारवा, मारवा स्टूडियो ने, AFT ने उन स्टार को ला के स्टूडेंट के सामने खड़ा कर दिया है जिनसे मिलना असंभव है। और सबसे बड़ी बात है कि उनसे मिलवाते ही नहीं हैं, उनसे अच्छी बात है कि जो उनके अनुभव हैं और जो स्टूडेंट उनके अनुभव को यहाँ पे गेन कर लेता है वो लाभ पा लेता है। आज उसका जीता जाता उदाहरण मैं भी हूँ क्योंकि मैं भी इनके 9th बैच का स्टूडेंट था। मेरा मानना ये है कि जो चीज़ यहाँ पे अगर स्टूडेंट को मिल रही है उसको हमें ज़रूर गेन करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। जो लोग यहाँ पे अच्छे से ध्यान से सीखते हैं, जो सीखने आए हैं, सीख के जो कामयाब हो रहे हैं, आज ये मान के चलो कि उनका बॉलीवुड में अपना नाम हो गया है। जो यहाँ पे जिस चीज़ का भी कोर्स कर रहे हैं वो उसमें टोटल सक्सेस हैं। आप किसी का भी एक का नाम लो, आज कौन सा ऐसा चैनल है या कौन सा ऐसा सिनेमाघर है जहाँ पे यहाँ के स्टूडेंट नहीं है, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। तो सर, आशा करती हूँ कि यहाँ के स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनका भविष्य उज्जवल होने वाला है। और सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, जैसे कि आपने कहा कि आप पहले फेस्टिवल से लेकर 16वें तक आप आए हुए हैं, आपने देखा है सब कुछ, तो इस बार के फिल्म फेस्टिवल में क्या नया है, क्या यूनिक है? इस बार के फेस्टिवल में दिन प्रतिदिन जो कामयाबी बढ़ती जा रही है, अगर जो समझता है उसको मालूम है, तो आज के टाइम पे जो युवा है, यंग है, वो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, उसको देख रहा है, उनके अंदर ज़्यादा गर्मी है इस बात को देखने की कि ये इस फेस्टिवल में जो लोकप्रियता हो रही जा रही है। और ये लोकप्रियता खाली यहीं तक सीमित नहीं है, आज पूरे वर्ल्ड से हैं। आप देखिए कि इतनी एम्बेसियों के एम्बेसडर यहाँ आने को ललित रहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें यहाँ पर बुलाया जाए और वो लोग आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे वर्ल्ड के एम्बेसडर यहाँ पर आते हैं, आज पूरा बॉलीवुड आता है। ठीक है कि बॉलीवुड में हम मान करें कि सलमान खान नहीं आया, सबकी अपनी अपनी डेट होती हैं, कई दफ़ा कई बातें होती हैं नहीं आ पाते, लेकिन जो आ रहे हैं यहाँ का असल में उद्देश्य ये है कि हमें ग्लैमर्स को ला के खाली ताली नहीं बजवानी, हमारा उद्देश्य ये है कि जो स्टूडेंट हैं उनको जो सीनियर फिल्म इंडस्ट्री के लोग जुड़े हैं वो अपने आप के अनुभव दें जिससे कि वो सक्सेस हो सके, एक कामयाब हो सके। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कैमरा पर्सन अनन्या श्री, तोशु दिवाकर, आफ्टर 24/7 नोएडा।